हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको एक जरूरी सूचना देने वाला हूं जो मुझे पता नहीं था, तो शायद आप में से भी कई कई ऐसे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको वो बात क्या है। ठीक है, तो बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही आप देख रहे थे कि मेरे चैनल पे आपको कैबिनेट दिख रहा था 10 इंच का, ठीक है, 10 इंच बूफर का। तो मेरे माइंड में ये चलता था, हमेशा इससे यही चलता था कि अगर कैबिनेट बड़ा हो, ठीक है, बहुत बड़ा कैबिनेट हो और उसमें एक 10 इंच का स्पीकर लगा दिया जाए, ठीक है, तो शायद वो बुफर स्पीकर नहीं बुफर लगा दिया जाए तो शायद बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा और होम थिएटर जैसा उसका साइज देंगे, ऑक्सीजन वाला निकलने के लिए भी देंगे, तो शायद उसका बेस क्वालिटी होम थिएटर से बेहतर आएगा। और उसको मैं 7294 के ICC से भी चला कर देखा हूँ और 2050 के ICC से भी चला कर देखा, दोनों में मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसका बेस वैसा कुछ भी नहीं आता जैसा कि होम थिएटर का बेस आता है। होम थिएटर का बेस अलग ही बेस होता है, उसका बेस अलग ही बेस है। वो हाँ, आपको ये है कि साउंड वो दूर तक फेंकेगा। आप अभी इसमें से कोई ये भी बोलेंगे कि अरे वो तो सब बूफर के लिए थोड़ी होता है, सब बूफर के लिए वो तो तुम बूफर लगा रहे हो, सब बूफर लगाओ। मेरे हिसाब से सब बूफर भी आप लगाएंगे तो उतना मतलब करेगा, ज़्यादा तो करेगा, क्योंकि मैं सब बूफर को यूज अभी नहीं किया हूँ, मैं बूफर को यूज किया हूँ तो बच्चा भी मैं बूफर से ही बात करता हूँ। तो मैं बूफर लगाया तो मैं सोचा कि शायद इसका बेस क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट बनेगा, उससे तो कम से कम कुछ तो ज़्यादा होगा ना, लेकिन ये मैं गलत था। यहाँ पे एक 6.25 इंच नहीं, शायद 6.5 इंच है, ठीक है, 6.5 आप मान लो, तो 6.5 इंच एक सबवूफर था फिलिप्स का, ठीक है, उसका मैं एक और भी कई वीडियो में मैं दिखाया हूँ, तो इसी को हटाकर एक कैबिनेट में मैं लगाया, उसी के साइज का कैबिनेट बनाया 6 इंच के साइज का, 6.5 इंच के साइज का, और उसको मैं लगाया। उसका बेस क्वालिटी एकदम बहुत ही अच्छा गुड है, उसका बेस क्वालिटी ना वो 10 इंच के और भी मेरे पास में अलग है बूफर, उससे कहीं ज़्यादा इसका सबवूफर का 6 इंच का जो बनाए थे उसका बिल्कुल ही बेस्ट उसका बेस क्वालिटी आता है। बहुत मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा आता है। अब आप बताओ, बोलो कि आप मेरे को दिखाओ तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी वो पूरा बना नहीं है मैं। और हाँ, उसमें एक अलग भी उसके साथ उसके मैं बनाया हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, पता नहीं मैं वीडियो डिलीट कर दिया हूँ कि क्या किया हूँ, मेरे को ध्यान सही से नहीं है, पर मैं देख लूँगा, ठीक है, शायद गलती से डिलीट हुआ होगा, मैं खुद से डिलीट नहीं किया, मतलब कि उसको मेरे को अपलोड करना था तो मैं डिलीट क्यों करता, क्योंकि मैं एक दिन मैं डिलीट कर रहा था सारा वीडियो, तो शायद मिस्टेक्स हो गया होगा, मैं कन्फर्म नहीं हुआ, देखूंगा। तो मैं कैसे कैसे कैबिनेट बनाया हूँ वो मैं उसमें मैं दिखाया हूँ, वो देख भी लेना। और उसी दिन मैं आपको उसी दिन नहीं उस वीडियो में नहीं बल्कि कई अलग वीडियो में मैं आपको उसका साउंड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और वो भी पूरा नहीं बना है, पूरा नहीं बने मतलब सब कुछ तो बना चुका हूँ, सबसे चिकना वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, बस एक चीने हुआ है और उसमें जो जाली लगता है ना आगे में, जैसे ब्लैक वाला कपड़ा टाइप का होता है, तो वो मैं अभी नहीं लगाया हूँ, तो मैं लगाने के बाद मैं आपको सही से बताऊंगा। वो मैं टाइम देख रहा था कितना टाइमिंग का वीडियो बन चुका है, 3 मिनट अभी हो चुका है, 3 से ओवर। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप चाहते हो कि 10 इंच का बड़ा लगा देंगे स्पीकर और उसका जो बोर्ड होता है लकड़ी, आप वो अगर MDF बोर्ड का ही बनाओगे, मैं MDF बोर्ड का ही यूज किया हूँ, तो भी आपको बेस्ट क्वालिटी वो नहीं मिलेगा जो एक बेस्ट साइज में, साइज टाइप के भी होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सब ऊपर भी लगा दो 6.5 इंच का और बहुत बड़ा आप उसका कैबिनेट बना दो, ठीक है, इनक्लोजर, तो वो भी फिर बेकार है। उसका ना मेजरमेंट सही होना चाहिए, आप ये समझ लो, अगर मेजरमेंट सही है ना तो अच्छा से अच्छा साउंड आपको भी बेहतर आ जाएगा। तो अब आप सुबह कहोगे कि शायद तुम्हारा 10 इंच का मेजरमेंट गलत होगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं कि होम थिएटर का मैं एरिया जो आयतन वॉल्यूम होता है वो मैं वॉल्यूम नाप लिया था और उसी के हिसाब से मैं उसका 10 इंच का बनाया था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं डीप थोड़ा ज़्यादा किया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से कमाया भी, कहीं पे डीप ज़्यादा किया तो कहीं से कहीं कमाया भी, मतलब कि आयतन जो उसका ना जितना आयतन उसके अंदर में होना चाहिए, एक टावर स्पीकर है यहाँ पे पास में रखा हुआ है, तो उतना के हिसाब से भी उसका मैं अंदर में उतना आयतन मैं लिया हूँ, तो भी उसका बेस्ट क्वालिटी वैसा कुछ नहीं आ रहा है, वो सबवूफर जैसा नहीं बजेगा, मैं कन्फर्म ये बता रहा हूँ, और उसका बेस्ट क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहेगा जितना कि ये वाला कर देगा। और हाँ, सबवूफर ये भी है, सबवूफर आप बजाओगे इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादातर के घर में ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादातर के कब वो अच्छा साउंड निकालेगा, जब आप चौकी वगैरह या टेबल वगैरह के नीचे रखोगे और जो छोटा सेटेलाइट स्पीकर होता है उसको ऊपर रखोगे, तब वो ज़्यादा आपको अच्छा क्वालिटी देगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको मेरे साथ में जो घटना घटी या मैं जो बनाया या मैं जो सीखा वो मैं आपके साथ में शेयर किया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का
नहीं पूरा हुआ है, जब हो जाएगा पूरा तो मैं जल्द से जल्द आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।